लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 8 राज्य की 49 सीट पर 20 मई को होगा मतदान। यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल के 7 सीट पर वोटिंग। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी मतदान। पीएम मोदी आज दिल्ली और हरियाणा में करेंगे चुनाव प्रचार। हरियाणा में 2 और दिल्ली में 1 जनसभा को करेंगे संबोधन। यूपी में 2 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बांदा और झांसी में रैली, अमेठी में करेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश में करेंगे 2 चुनावी जनसभाएं। नूरपुर, चंबा और कुनिहार में करेंगे चुनाव प्रचार। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे रहेंगे मौजूद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज यूपी और दिल्ली में जनसभाएं। यूपी के बाराबंकी और दिल्ली के चांदनी चौक में करेंगे प्रचार। पांचवें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज अमेठी रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। यूपी में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अखिलेश। श्रावस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में करेंगे रैली। यूपी के गोंडा में चुनाव प्रचार करेंगे डिंपल यादव। वैसे प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो। पांचवें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। लखनऊ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम केजरीवाल। कई नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित। स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी विभव कुमार की तलाश तेज। दिल्ली पुलिस की 4 टीमें तलाश में जुटी। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया स्वाति का बयान। फॉरेंसिक टीम ने केजरीवाल के आवास पर की पड़ताल। घटना के वक्त सीएम आवास में मौजूद लोगों से पूछताछ। स्वाति को भी मौके पर बुलाया गया। विभव कुमार का स्वाति पर अपशब्द कहने का आरोप। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सीएम आवास की सुरक्षा में सेल, हंगामा करने का भी आरोप। राष्ट्रीय महिला आयोग ने फिर से विभव कुमार को भेजा नोटिस। शुक्रवार को हाजिर नहीं हुए थे। आप नेता आतिशी का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए बीजेपी ने रची साजिश। स्वाति का किया क्या इस्तेमाल। आतिशी ने कहा कि सीएम आवास के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया। वीडियो से सारे साफ होता है कि स्वाति के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आप नेता का दावा। थाने गई स्वाति मालीवाल से पुलिस ने एमएलसी करवाने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। संजय सिंह के बयान पर बोली आतिशी, खबरें देखने पर स्वाति से मिलने पहुंचे थे तब उनके पास था केवल सिर्फ स्वाति मालीवाल का पक्ष। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान, वीडियो से साफ स्वाति विभव कुमार और सिक्योरिटी स्टाफ से कर रही दुर्व्यवहार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा, 3 दिन पहले जब संजय सिंह ने दिया बयान तब कहां थी आतिशी। स्वाति ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, एक गुंडे के दबाव में झुके आप। कल के आए नेताओं ने 20 साल पुराने कार्यकर्ताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया। मुंबई में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा, तिलकोताड़ बनाया जा रहा, गलत दिखाया जा रहा, मामले को दिया जा रहा राजनीतिक रंग। स्वाति मामले में बोले, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, एक महिला सांसद के साथ मारपीट हुई लेकिन केजरीवाल और इंडिया अलायंस चुप है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, स्वाति मालीवाल केस से साफ हुआ महिलाओं के प्रति कांग्रेस साफ गठबंधन का क्या नजरिया है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार पर हमला, शख्स ने माला पहनाने के बहाने किया हमला। कन्हैया की टीम ने हमले के पीछे बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का बताया हाथ। मनोज तिवारी का करीबी बताया जा रहा हमलावर। पीएम का विपक्षी गठबंधन पर हमला, का एनडी गठबंधन वालों के पास क्या है, जितने दल उतनी घोषणाएं, जितने दल उतने पीएम। पीएम मोदी ने कहा, इनकी नजर मंदिरों, सोने और महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में माओवादी घोषणाएं। पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर आए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। ओवैसी पर मंच से बोला हमला। महाविकास अघाड़ी की जनसभा में संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, 4 जून के बाद छोटा भाई मोटा भाई कोई नहीं दिखेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, मोदी जी आज आप शिवाजी पार्क में बोल दीजिए, 4 जून के बाद आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, जहां पर होर्डिंग गिरने से लोग मरे वहां मोदी जी ने ढोलताशों के साथ किया रोड शो। केजरीवाल ने कहा कि सीधे जेल से आ रहा हूं, मोदी को लगता है हरा नहीं सकते तो गिरफ्तार कर लो। केजरीवाल ने कहा, पुतिन की राह पर चल रहे हैं पीएम, विपक्ष के सभी नेताओं को जेल भेज देंगे। महाविकास अघाड़ी की रैली में बोले शरद पवार, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। महाविकास अघाड़ी की रैली के पोस्टर बटोर रहा सुर्खियां, राहुल गांधी को पीएम फेस के तौर पर किया गया प्रोजेक्ट। रायबरेली में सोनिया गांधी ने की अपील, कहा आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, राहुल आपको निराश नहीं करेगा। रायबरेली में राहुल ने कहा, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे, मनरेगा का पैसा 22 लोगों को दिया। अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि वो रायबरेली के साथ ही अमेठी के एमपी भी होंगे, जितना विकास रायबरेली का होगा उतना ही अमेठी का भी होगा। अमेठी में अखिलेश यादव का स्मृति ईरानी पर निशाना, कहा सिलेंडर की बात करने वालों ने सरेंडर कर दिया, यहां अभिनय के सामने विनय है। रायबरेली में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी चुनाव के 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। अमेठी में जमकर प्रचार कर रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसेवा के लिए दोबारा चुनने की अपील की।
एसपी उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा के चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव का रोड शो, लखनऊ में पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील। राजा भैया के समर्थकों ने कौशाम्बी में एसपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज का किया समर्थन, मानहानि का मुकदमा भी राजा भैया ने लिया वापस। राजनाथ सिंह ने बलिया में किया दावा, 2024 के चुनाव के बाद देश से लुप्त हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। बिहार के सारण में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा बिहार को आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने कहां पहुंचा दिया। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा लालू यादव और राहुल गांधी मुसलमानों को आरक्षण देकर एससी एसटी ओबीसी खत्म करना चाहते हैं आरक्षण, लेकिन जब तक मोदी जी हैं ऐसा नहीं होगा। आरजेडी के तीन वीडियो में लालू राबड़ी को जगह नहीं, बीजेपी जेडीयू ने उठाए सवाल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बीजेपी सिर्फ मुद्दों से भटकाने का करती है काम, तेजस्वी यादव अकेले ही बीजेपी पर पड़ेंगे भारी। एलजेपी रामविलास पासवान नेता राजेश भट्ट का पशुपति पारस पर आरोप, हाजीपुर में चिराग को हराने के लिए काम कर रही है उनकी टीम। मादीपुरा में उमर अब्दुल्ला ने कहा देश में मुसलमानों को जिहादी के रूप में चित्रित करना गलत। महबूबा मुफ्ती का गृहमंत्री पर पहाड़ी अधिकारियों को धमकाने का आरोप, कहा बीजेपी सरकार हमारी पार्टी की लोकप्रियता से डरती है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गांगुली पर ममता पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस पर तमलुक से बीजेपी प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा सीएम ममता के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कहा। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन, राज्यपाल पर लगा है यौन उत्पीड़न का आरोप। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने की रैली, कहा पीएम मोदी से प्रचार का किया वादा। झारखंड में जेएमएम पार्टी से दो विधायक 6 साल के लिए निष्कासित, इनमें शिव सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन भी शामिल। चारधाम यात्रा को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सुचारू रूप से चल रही है यात्रा। आज से 29 मई तक बिहार में एसटीईटी परीक्षा ऑनलाइन मोड में, 2 पालियों में होगी एग्जाम। मेरठ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में महिला की मौत, 4 खाली सिलेंडर से ऑक्सीजन देने का दावा, मामले की जांच जारी। पीओके में विरोध प्रदर्शन पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा नीतियों और लूट के विरोध में पीओके में प्रदर्शन। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज दोपहर 2 बजे राउत अग्नि कोर्ट में होगी सुनवाई, गुरुवार को ईडी ने दी थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, ईडी ने दावा किया केजरीवाल हवाला ऑपरेटर्स के बीच हुआ चैट मिला। बीजेपी नेता मंजूदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब घोटाले के आरोपों से मुकर नहीं सकते हैं अरविंद केजरीवाल। मुंबई में होर्डिंग देने का मामला, 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया आरोपी भावेश भिंडे। राजस्थान के सिरोही में अवैध डोडा पोस्ट पर कार्रवाई, सिरोही डीएसटी टीम ने कार्रवाई करके 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, अवैध डोडा पोस्ट का जखीरा बरामद। मुंबई में बुजुर्ग दंपति के घर चोरी करने के मामले में 2 बहनें गिरफ्तार, चोरी के पैसों से खरीदे महंगे कपड़े पहनकर रील बनाते। राजस्थान में जारी है शुतली युद्ध अभियान, जयपुर में 13,000 किलो से ज्यादा मिलावटी घी सीज। दिल्ली के कीर्तिनगर और मोतीनगर इलाके में आग का तांडव, मौके पर भेजनी पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। राजस्थान की एक फैक्ट्री में दिखा आग का तांडव, अजमेर की क्राइट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हरियाणा के नूह में श्रद्धालु से भरी बस में लगी आग, देर रात 1:30 बजे की घटना, 8 लोगों की मौत, 26 घायल। उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी, आज से 20 मई तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना। भीषण गर्मी से झुलसा उत्तर पश्चिमी भारत, दिल्ली के नजफगढ़ में 47.4 डिग्री पहुंचा तापमान। तेलंगाना के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भारी बारिश का कहर, तिरुपथुर में भारी बारिश से हुई परेशानी।